हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, स्टार्ट करते हैं। बेटा, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं बेटा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन देन उसकी टाइप क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली तौर पे। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ेंगे, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे बेटा। देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स और जनरली ह्यूमन बींग्स के केस में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स के बाद हम वहां पर बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं बेटा, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आज सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो केस है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस केस में अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, व्हाई वी रिक्वायर्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है बेटा कि अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। इस सब प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है बेटा। अब जो रिप्रोडक्शन वर्ड है, उस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बेस के ऊपर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लाइफ की, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग विच इज जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्लाइटली डिफरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्लाइटली डिफरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है बेटा, जिस मेथड के बेस के ऊपर क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं बेटा, वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। वो किसके केस में? एसेक्सुअल के केस में। अगर ऑर्गेनिजम्स के केस में एसेक्सुअल ना होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो वहां पर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट जो होता है बेटा उसके केस में। अब हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन है बेटा। एक है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो होता है कि नॉर्मली एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब हम यहाँ पर आपके सामने एक टेबल फॉर्म बनाते हैं बेटा, उस टेबल के बेस के ऊपर आप समझ जाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम टेबल से समझाते हैं आपको। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा इन दोनों रिप्रोडक्शन में डिफरेंट क्या होता है? देखिए डिफरेंस की बात अगर हम करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसका मतलब होता है इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है बेटा, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर क्या होता है, इन विच बोथ पेरेंट्स पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है बेटा, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। यहां पर क्या होता है, देर आर नो गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, यहां पर कोई गैमेट नहीं बनते बेटा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, और गैमेट्स क्या होंगे बेटा, मेल के केस में अगर बात करते हैं तो स्पर्म होंगे और बेटा पोलन ग्रेन, समझ गए ना आप, प्लांट्स के केस में पोलन ग्रेन और एनिमल्स के केस में क्या होगा बेटा, स्पर्म होंगे। जबकि दूसरी बात अगर फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स के केस में क्या होगा बेटा, जो गैमेट्स होंगे ना वो ओवम भी हो सकता है, ओवम ओवा और बेटा एग भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी तरीके से कोई भी हो सकता है, वो तो हमने देखना है कि किस टाइप की हमें बात कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड केस। अब देखिए यहां पर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन जो होगा बेटा वो क्या होगा, माइटोसिस होगा बेटा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या कंप्लीट लाइफ लगा लीजिए। यहां पर क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन मियोसिस अकर, मियोसिस एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइटोसिस होगी बेटा, माइटोसिस। यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी बेटा, बट यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक। ये तो नॉर्मली टेबुलर फॉर्म में हमने कुछ डिफरेंस लिखे हैं बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, जिसके बेस के ऊपर और भी हम फॉर्म लिख सकते हैं बेटा, और उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है और भी लिखे, तो अगर हम फोर पॉइंट्स हो गए, अगर हम और पॉइंट लिखे बेटा, पॉइंट नंबर फाइव देखे बेटा क्या है,
देयर आर नो चांस ऑफ ए वेरिएशन इफ अकर सो इट इज सो रेयर। ठीक है बेटा, अगर होगी तो बहुत रेयर होगी। यहां पर क्या होगा, चांस ऑफ वेरिएशन इज वेरी हाई ठीक है, तो चांस ऑफ वेरिएशन हाई होंगे तो बेटा सर्वाइवल के चांस भी ज्यादा होंगे, तो चांस ऑफ सर्वाइवल इज लेस। यानी यहां पर लिखे हमें चांस ऑफ सर्वाइवल इज लेसर, और यहां क्या होगा बेटा, चांस ऑफ सर्वाइवल इज हाई, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का बेटा गैमेट्स जो जीनोम है वो इन्वॉल्वमेंट शो करता है। इसके साथ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल की बात अगर हम करें ना, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में एग्जांपल में जैसे हमने डाल दिया बेटा अमीबा है बेटा, ईस्ट है, तो ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीधा ह्यूमन बींग्स को लिखते हैं, ह्यूमन बींग्स है बेटा, डॉग है, डॉग्स एटसेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बहुत सारे ही ऐसे बेटा जिसके केस में सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो अब हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता चल गया बेटा, अब हमारे पास टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है बेटा उनके बारे में बताते हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें बहुत सारी टाइप्स है बेटा हमारे पास, और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है फिजर। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारे पास बडिंग। ठीक है बेटा, थर्ड हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन है बेटा। ठीक है ना, क्या हमारे पास है, स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है बेटा। फिफ्थ क्या है, रीजनरेशन। ठीक है, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। उसके बाद बेटा हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप की है, नेचुरल और बेटा आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसी के साथ एक और है बेटा जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन आल्सो कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है बेटा, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो वन बाय वन करके हम आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, वन बाय वन करके हम आपको एक एक करके हम सबको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजन, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, फिजन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस।
इन विच पेरेंट्स पेरेंट बॉडी इज स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर कॉपीज और कॉपीज बेटा और सेल्स, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब इसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, जिस प्रोसेस के अंदर है पेरेंट्स की जो बॉडी है वो पेरेंट्स की बॉडी वो स्प्लिट हो जाती है दो या दो से ज्यादा डॉटर कॉपीज में। इस चीज को हम किसके नाम से बोलते हैं, फ्यूजन के नाम से बोलते हैं बेटा। अब फ्यूजन की भी टाइप है, टाइप ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ फ्यूजन। देखिए टाइप ऑफ फ्यूजन की बात अगर हम करें बेटा तो दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी है। नंबर वन बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, इसके लिए एग्जांपल की बात अगर हम करें ना, जैसे अमीबा है बेटा हमारे पास, अमीबा को बोल सकते हैं। यहां पर हम अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना। ये क्या होता है बताएंगे बेटा अभी, ठीक है। तो एक एक को हमें डिफाइन करते हैं बेटा। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन का क्या मतलब होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन हमारे पास मतलब, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स बॉडी इज स्प्लिट इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स, ठीक है बेटा, डॉटर सेल्स और कॉपीज, समझ गए। एक ऐसा केस है बेटा जिस केस में क्या होता है, जो पेरेंट्स बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स, बिल्कुल इक्वल साइज की दो डॉटर सेल्स में बेटा। अब हम यहां एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, एग्जांपल हमारे पास जैसे अमीबा है बेटा, जो इरेगुलर फ्यूजन शो करता है। बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया, ठीक है, वो रेगुलर मतलब किस तरीके से ट्रांसवर्स शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल शो करते हैं, बहुत सारे चीज बेटा, युगलिना है जो बेटा क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करता है। तो ये सब क्या है हमारे पास, एक तरीके से एग्जांपल है। अब हम एग्जांपल पे किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए हम यहां पर अगर अमीबा का एग्जांपल ले बेटा, इसका केस ले, हमें अमीबा का केस ले यहां पर, तो अमीबा के केस में देखिए, ये अमीबा है बेटा, ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब सेलुलर डिवीजन की बात आती है तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी के साइज को इंक्रीज करता है बेटा, और जो जेनेटिक मेटेरियल है मतलब न्यूक्लियस है बेटा, वो इस तरीके से दो पार्टिकुलर डॉटर सेल्स में यानी दो कॉपीज में डिवाइड हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जो बॉडी है अमीबा की वो इस तरीके से दिखाई देती है बेटा हमें, बिल्कुल दो पार्ट्स में इस तरीके से, जैसे यहां पर। देन आफ्टर सम टाइम ये जो बॉडी है बेटा टोटली ऐसे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है टोटली इस तरीके से दो अमीबा की फॉर्म्स जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, बट स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि वो एक तरीके से सेपरेट नहीं हो पाती है बिल्कुल, बस ये इस तरीके से। तो ये जो है हमारे पास, ये जो डिवीजन है बेटा, इसमें ये जो पार्ट है देखिए, ये क्या है, दिस वन इज द सुडो कोडिया,
ठीक है, जो मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, यहां का जो रीजन है बेटा उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है बेटा। और ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेज बन गई हमारे पास। अब हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आता है बेटा कि जो ये डिफरेंट स्टेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, इन डिफरेंट स्टेजेस को 1, 2, 3 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कि रीअरेंज देम, इनको अरेंज कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर ये सेकंड है, ये स्टेज नंबर 3 है, ये स्टेज नंबर 4 और ये स्टेज नंबर 5 हमारे पास ऐसे दिखा रखे है बेटा। लेकिन वहां हो सकती है कि पहले स्टेप के बाद ये दिखा रखे हो, फिर बेटा ये दिखा दिया हो, फिर ये दिखा दिया हो। तो इस तरीके से रीअरेंज करना होता है आपको स्टेप वाइज इनको। ठीक है, तो जब आप स्टेप वाइज रीअरेंज करते हो तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद हमारे पास है बेटा मल्टीपल विजन। उसके बाद क्या है, हमारे पास मल्टीपल विजन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल विजन केस है, हमारे पास मल्टीपल विजन बेटा। देखिए मल्टीपल विजन बेटा, मल्टीपल विजन का मतलब क्या होता है, इस मल्टीपल विजन का मतलब क्या बेटा, देखिए ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स बॉडी इज स्प्लिट्स अप इनटू मोर देन टू डॉटर कॉपीज और बेटा सेल्स। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात हम कर रहे हैं, फिजन की बात में हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की ही बात करते बेटा, तो हमारे पास यहां पर क्या है कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स बॉडी बेटा वो स्प्लिट हो जाती है मोर देन टू डॉटर सेल्स। अब हमने यहां पर देखिए इक्वल साइज डॉटर सेल नहीं लिखा बेटा, हमने इक्वल साइज नहीं लिखा, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई कॉपी छोटी हो सकती है, स्प्लिट अप इनटू द मोर देन टू डॉटर कॉपीज, दो से ज्यादा डॉटर कॉपीज में डिवाइड हो सकती है बेटा। तो यहां पर हमने कोई स्प्लिटिंग जो की है बेटा उसके केस में हमने स्पेशली इस बात को मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से वो डिवाइड होती है। अगर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर यहां पर हम एग्जांपल शो करते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल में हमने लिया बेटा जैसे प्लाज्मोडियम वायरस। अब ये प्लाज्मोडियम वायरस क्या है बेटा, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट है बेटा, ये क्या है, मलेरिया कोजिंग पैरासाइट्स है। अब ये मलेरिया कोजिंग पैरासाइट जो होता है बेटा वो हमारी आरबीसी में एंटर करता है। कहां पर एंटर करता है, ये हमारी आरबीसी है बेटा, ये हमारी आरबीसी है आरबीसी, और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है बेटा, ये हमारी आरबीसी में एंट्री करता है, ये हमारी आरबीसी में एंट्री करता है। जब ये हमारी आरबीसी में एंट्री करता है तो बेटा सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी आरबीसी का जो के अंदर एंट्री करके इस तरीके से अपने साइज को ऐसे कन्वर्ट करता है बेटा। देन उसके बाद इस सेल के साइटोप्लाज्म को वो ईट करता है, और जब सेल के साइटोप्लाज्म को ईट करता है तो बेटा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है वो, इस तरीके से जैसे ये अमीबॉइड स्टेज होगी। अब इसके बाद वो क्या करता है, इट्स शोइंग द न्यूक्लियर डिवीजन बेटा, और जब वो न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है तो बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है ना, वो बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है बेटा इसके अंदर पार्टिकुलर स्टेज के अंदर। अब आफ्टर सम टाइम्स ये जो स्टेजेस है बेटा, इट्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाती है, और जब वो मेम्ब्रेन आती है तो इस तरीके से उसकी शेप बन जाती है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर उसकी शेप बन जाती है। तो ये जो शेप है बेटा, इसी शेप के अंदर क्या होता है, जब मैच्योरेशन की बात आती है तो ये जो आरबीसी है बेटा ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और जब आरबीसी ब्रेक डाउन होती है तो आरबीसी के अंदर से, यहां से टूटी आरबीसी बेटा, नंबर्स ऑफ न्यू
इसमें से क्या रिलीज होता है बेटा, नंबर्स ऑफ न्यू पैरासाइट्स, नंबर्स ऑफ न्यू पैरासाइट्स रिलीज होते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना। ये सब क्या है, नंबर्स ऑफ पैरासाइट्स है बेटा। ये पैरासाइट्स है, तो इस तरीके से न्यूली फॉर्म्ड पैरासाइट्स बोल सकते हैं हम, न्यूली फॉर्म्ड पैरासाइट्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास नॉर्मली इसको बोलते हैं अमोबॉइड स्टेज, ठीक है बेटा। न्यूक्लियर डिवीजन, सोइंग न्यूक्लियर डिवीजन, यहां क्या शो करता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है। तो यहां बोल सकते हैं पैरासाइट, पैरासाइट एंटर इनटू द आरबीसी, आरबीसी जो उसके अंदर एंटर करता है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये केस है। बट बेटा इन केस ऑफ सम सिचुएशंस अमीबा आल्सो शोइंग, इन केस ऑफ सम सिचुएशन मैं लिख देता हूं, इन सम सिचुएशन सिचुएशन अमीबा आल्सो शोइंग, आल्सो शोइंग मल्टीपल फिजन, अमीबा भी बेटा मल्टीपल फिजन शो करता है। और कब, जब वाटर की कमी होती है किसी वाटर बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को मतलब नया चैप्टर स्टार्ट किया, और नए चैप्टर के अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिया। उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में बताया। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप होती है, रिप्रोडक्शन का डिफरेंस है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल में बहुत पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा टाइप है जिसके अंदर कोई गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बेटा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इन्वॉल्व होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में माइटोटिक सेलुलर डिवीजन होता है बेटा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले माइटोसिस मियोसिस होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है, बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेबी की डेवलपमेंट होती है, तो बेटा कंटिन्यूली माइटोटिक डिवीजन होता है। चांस ऑफ वेरिएशन जो होते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो माइट भी बहुत स्लो है, बहुत कम है बेटा, जबकि चांस ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई आर द चांस ऑफ वेरिएशन इज हाई, और व्हाई आर द चांस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी हाई इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत पेरेंट्स आर इन्वॉल्व है। अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो बेटा जीनोमिक सेट जो होगा वो डबल है, तो दोनों में अगर वेरिएशन के चांस होंगे तो बेटा ज्यादा सेट बनने के चांस है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो जाती है, और वो जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो म्यूटेशन का कारण बन जाती है, मतलब वेरिएशन का कारण बन जाती है। और वेरिएशन अगर होगी तो वेरिएशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी, जब वेरिएशन क्रिएट होगी तो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और राइज होता है बेटा, वाई डीएनए कॉपी इज नेसेसरी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा यू नो कि जब भी डिवीजन सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी रिप्रोडक्शन जब भी होगा, तो क्या होता है कि पेरेंट्स की सहायता से डॉटर कॉपी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनती है। अब ऐसी सिचुएशन में जो जेनेटिक मेटेरियल है, डीएनए जो होता है बेटा, उस डीएनए के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि डीएनए अपनी डुप्लीकेसी बनाए, यानी सेलुलर डिवीजन हो, और सेलुलर डिवीजन होगा तो तभी तो गैमेट बनेंगे, तभी तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें बेटा सेल के द्वारा कॉपी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल ही तो एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सिंगल कॉपी ही एक सेल का मतलब बॉडी का काम करती है। मल्टी सेलुलर के केस में भी जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो एक जायगोट से ही प्रोड्यूस होता है, तो सेलुलर डिवीजन होगा तो मास बढ़ेगा बेटा सेल्स का, और वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक तरीके से डिवाइड होगा। देन उसके बाद हमने आपको बताया बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप जब हमने बताई तो आपको हमने डिफरेंट टाइप्स बताई। सबसे पहले आपने फ्यूजन बताया, फिर हमने बडिंग की बात की, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप की, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसमें से हमने आपको सिर्फ फ्यूजन के बारे में बताया, फ्यूजन मतलब स्प्लिट अप, तो पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाएगी बेटा। उसमें दो टाइप है, बाइनरी फ्यूजन, इट्स मीन्स पेरेंट्स बॉडी आर स्प्लिट इनटू द टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अमीबा का एग्जांपल दिया बेटा, बैक्टीरिया का एग्जांपल हो सकता है, यूक्लिना, पैरामीशियम, ये बहुत सारे एग्जांपल इसमें इन्वॉल्व है बेटा। दूसरा हमने मल्टीपल फ्यूजन की बात की बेटा, मल्टीपल फ्यूजन के केस में हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिविजन जिसमें पेरेंट्स की बॉडी जो है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। आपको जरूरी है कि इक्वल साइज की डॉटर सेल्स बनेंगी, अब जब इक्वल साइज की नहीं बनेंगी तो ऐसे में एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो मलेरियल पैरासाइट होता है जिसके कारण मलेरिया फैल जाता है, तो आरबीसी में वो एंटर करता है, अपने अपना साइज बढ़ाता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है और फिर बेटा कॉपी बना लेता है। ये क्या रखे है कि मैंने कहा कि इन सम केसेस, इन सम सिचुएशन अमीबा आल्सो शोइंग मल्टीपल डिफ्यूजन। कब शो करता है बेटा, जब किसी वाटर बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में अमीबा जो है वो भी मल्टीपल फ्यूजन शो कर सकता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप मतलब बडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।